गाइज वेलकम टू माई न्यू वी लॉग. सो टुडे इज खरना, सेकेंड डे ऑफ छठ पूजा. सो फाइनली आई एम ऑल हेयर एंड ये सनी डे. एंड ये देखो कितना प्यारा व्यू है मेरे बालकनी से. सो इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा प्योर फीलिंग है. और आज का दिन बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ है. एंड यस, आज का दिन मैं अपनी मम्मा के साथ स्टार्ट करी हूँ. सो यस, ऑब्वियसली स्पेशल तो होना ही है. और आज जो भी करेंगे खरना के लिए, कैसे पूजा होता है, क्या हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसीजर है, वो आपको सब कुछ दिखाने वाले. सो यस, बने रहिए ब्लॉग में. ओके गाइस, सो यस स्टे ट्यून्ड. और पिंकू आने वाली है, पिंकू भी दिल्ली से निकल चुकी थी. सो उसकी फ्रेंड भी आ रही है, सो वो भी आपको दिखाने वाले हैं. सो यस, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ब्लॉग, स्टे ट्यून्ड. बाय बाय. देखो मेरी मम्मा को फास्ट में क्या कर रही है, लूडो खेल रही है. सही टाइम पास है मेरी माँ का. शावर ले लिया है और मैंने पहना है ये कुर्ती. और चलते हैं किचन में क्योंकि अभी सब आने वाले हैं, तो खाना भी बनाना होगा. मम्मा का तो फास्ट है, सो हम ये सारे काम करेंगे. सो किचन में भी कोई है मेरे साथ, जो है मिस रोजी, जो मुझे रुला रही है. गाइस प्याज काटा है, मैंने नहीं रुलाया, मैं रुलाने का काम कभी नहीं करती हूँ. चलो गाइस खाना बनाते हैं. आज बनने वाला है बिहार का फेमस चोखा, जो हम खाते हैं चावल दाल के ऊपर. सो रोजी इसमें पहले डालेगी मिर्च और फिर डालेगा अनियन. बहुत बेसिक रेसिपी है बट बहुत टेस्टी लगता है ये. गाइस अभी देखो ये अनियन जो है वो हो चुका है. सो अब हम इसमें ऐड करेंगे मैश्ड पोटैटोस. डालेंगे अब मैश्ड पोटैटोस और ये हमारा चोखा. जस्ट 5 मिनट्स तक हम इसको फ्राई करेंगे और ये बन के रेडी हो जाएगा. ये देखो हमारा बिहार का फेमस चोखा. आप भी कभी ट्राई करना गाइस, आपको बहुत अच्छा लगेगा. और इसमें आप सॉल्ट ऐड कर दो. आप चाहो तो इसमें सॉल्ट पहले ही मैश करने के टाइम भी ऐड कर सकते हो, बट उस टाइम ऐड करने पे थोड़ा स्टिकीनेस आ जाता है. सो बेटर है कि आप बाद में ऐड करना. रॉक सॉल्ट आप ऐड कर सकते हो, आपको जो भी सॉल्ट आप प्रेफर करते हो आप उसको ऐड कर लेना. गाइस ये हो चुका है आप देखो. तो अब हम इसको गैस को फ्लेम बंद कर रहे हैं और अब हम बनाएंगे जीरा आलू कर गए, जो कि है कोरिएंडर लीव्स, जो आप इसमें डाल सकते हो टेस्ट को एनहांस करने के लिए. दैट्स इट, नथिंग एल्स, मैंडेटरी नहीं है, आपका चॉइस है. के लिए सबसे पहले हम ऑयल डाल रहे हैं जीरा आलू के लिए. जीरा आलू है तो जीरा तो ज़्यादा डलेगा ही. सो गाइस इसमें अनियन ज़रूरी नहीं होता बट हमें पसंद है इसलिए हम डाल रहे हैं. और इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज. देंगे धनिया. यस डन डन डन. और रेड मिर्च पाउडर डाल दो और सम टर्मरिक पाउडर. बस बस कितना तीखा. रोजी है थोड़ी तीखी चटपटी. हाँ रोजी टर्मरिक. हाँ टर्मरिक ऐड कर दो. बस बस काफी आई गेस. एंड सॉल्ट. इसको अच्छे से गाइस फ्राई करेंगे, फिर इसमें हम इसमें डाल देंगे अपने कट करे हुए अनियन, सॉरी पोटैटो. यो सॉल्ट रोजी कम डालती है वैसे इन जनरल. गाइस में थोड़ा सा वाटर ऐड कर रहे हैं सो दैट कि हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो जाए. ज़्यादा नहीं, थोड़ा मसाला यू नो जब वाटर के इंटैक्ट में आके फ्राई होगा तो अच्छे से होगा, क्योंकि बहुत ड्राई था ये. जब पूरा अच्छे से ड्राई हो जाएगा फिर हम इसमें चॉप्ड पोटैटो डाल देंगे. हो चुके हैं सो मैं इसमें सारे जो चॉप करे हुए थे पोटैटो को ऐड कर देती हूँ. मुझे मैंने इसको सॉल्ट को ऐड कर दिया ना. हाँ ओके. सो हार्डली इसको 5 मिनट्स लगेंगे बनने में. सो ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो जाएगा. ये देखो कितना यमी सा दिख रहा है. सो जीरा आलू में जनरली वी डोंट पुट अनियन, बट हमें अनियन बहुत पसंद है पर्सनली. हम सबको पसंद है घर में खाना. सो मैंने थोड़ा सा इन्हांस कर दिया, कुछ अलग एक्सपेरिमेंटल फिर से बना दिया है. एज यूजुअल जो मुझे खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है. सो आई डिड दैट. और हमारा सो ये हमारा देखो चोखा कितना यम सा रेडी हो चुका है. और ये हमारा आलू रेडी हो गया है, दाल हमारा रेडी हो चुका है. बट दाल को मैं अभी इसमें छौंक लगाऊंगी. सो ये दाल भी मैंने कर लिया, बॉयल कर लिया. सो जस्ट 5 मिनट्स मोर एंड हमारा खाना रेडी हो जाएगा. सो गाइस खाने का जरूर देखना कैसा बना, फिर पापा आने वाले हैं और इतने लेंगे पापा मेरे हाथ में खाने. पापा तो एक साल डेढ़ साल के बाद मेरे हाथ में खाना खाने वाले. सो ये आई एम सो एक्साइटेड टू मीट हिम. सो गाइस आपको मिलवाऊंगे अपने पापा से. ओके सो बने रहिए ब्लॉग में. पापा
भाई हाय अलीशा दी, हमारे विलेज में पहली बार आई है और छठ पूजा मनाने आई है। हेलो हेलो प्रियंका, प्रिया चलो वेलकम टू माय होम नाउ, मजा आने वाला है। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, मेरे फॉलोअर्स को व्यूअर्स को भी तो हाय करो। हाय एवरीवन, चलो सबको स्लीपर यहीं खोलना है, दैट्स द रूल ऑफ दिस हाउस। ओके एंड ब्रो कम, ये सब अंदर ही है। मसाले फ्राई कर दिए थे दाल के लिए और इस पर हम दाल ऐड कर रहे हैं सिंपली। और यस, ये हमारा यम्मी दाल बनके रेडी हो जाएगा विद इन 2 to 3 minutes। सो यस, हमारा दाल हो गया है रेडी और हम करेंगे सर्व। ये हमारा खाना रेडी है और आज का लंच, भाई भी खाने को रेडी हो गया है। मैं खाना खा के मिलती हूँ आपसे, ठीक है। पापा आ गए हैं, बहुत खुशी लग रही है। भाई सब कोई आ गया है, सिर्फ दी रह गई। ये है हमारे गांव का पानी पूरी का स्टॉल और ये देखो, और ये मैडम सबको पानी पूरी खाना है, ट्राई कर रहे हैं भैया कैसा खिलाने। भैया प्रेशर मत देना अच्छा खिलाने का। यहाँ के पानी पूरी का मसाला अलग ही बना रहे हैं भैया, लग तो रहा है आज चटपटा खिलाएंगे हमें। ये लोग देखो पानी पूरी खाए कैसा कैसा है मुंह बना रहे हैं, उनकी शक्लें देख लो जरा। सर नमक कम करना, अच्छा लग रहा है। हम नहीं, हम नहीं, टेस्ट तो करो। वो वाला है, वो आटा वाला टेस्टी है। विलेज का अलग ही फील होता है, गाँव की बात ही अलग होती है, चाहे कुछ भी खा लो। पता है मैं कुछ भी खाऊँ या ना खाऊँ, गाँव में आऊँ ना तो ये सारी चीजें जरूर खाती हूँ। हर छोटी छोटी चीजें मुझे बहुत पसंद है। आ गई है हमारे पास खाने के लिए और मम्मी खा नहीं सकती तो मम्मी वहीं से देख रही है। आजा अम्मन, आजा। नहीं जी, मैडम खा रही है। चीयर्स। हाँ बहुत टेस्टी है भैया, आपने बहुत अच्छा बनाया है, थैंक यू सो मच। इतने सालों बाद आए हम यहाँ पे और खाने में बहुत अच्छा लग रहा है ना आपको। हमारे हमें खाने मजा आ रहा है ना, बोर तो नहीं हो रहा ना, मैं ना, ना। बोर नहीं होने का ना, ना, ये सब। क्या देखा, लौकी, छोटे छोटे अमरूद है। अभी क्या कर रही है, सरसों क्लीन कर रही है। अच्छा, ये घर का सरसों। ये देखो क्या दिखा, वाइट बैंगन जो यही मिलेगा ऐसा लगता है, मार्केट में तो ऐसा मिलता नहीं है। हाय हाय करो, हाय करो। मैं वो नेवला भागा वहां पे, देखो चुपके से भाग गया वो, देखो पूछ दिख रहा है ना उसका, वहां पे चला गया। ये झिगनी, क्या कहते हैं, झुगनी कहते हैं इसको, इसके इसका बीज के लिए इन्होंने ऐसे रख रखा है। सो ये है विलेज का फील। और ये देखो यहाँ पे एक्चुअल चूल्हे में खाना बन रहा है, ये गाय के लिए खाना बन रहा है ना। हाँ। सही। फिर देखो, अरे दादी दादाजी, हम जा रहे हैं गंगा जी के दर्शन करने। और ये मैडम को क्या पीना है, ताड़ी, आई वांट ताड़ी क्योंकि यहाँ पे पीछे हमारे तार का पेड़ दिख रहा है इसलिए ये सब कुछ पहचान रही है। और रोजी है हमारे साथ, ओके। और एक है स्वीटी भी है, यहाँ की लोकल स्वीटी, वो चाहिदा वाला नहीं है, स्वीटी 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 तेरा प्यार चाहिदा। प्लीज, हम आ चुके हैं रिवर एंड इट्स सो ब्यूटीफुल एंड अपनी प्रॉपर गर्ल गैंग के साथ आए हैं हम यहाँ पे। और हम ऐसे जगह जाएंगे जहाँ पे ज्यादा किसी का गैदरिंग ना हो। ये तो ब्लॉग है, सब एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है ना। हाँ। ये व्यू देखो,